जॉर्ज बाबू हुर्रे। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आप सबका नए व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। अपनी गाड़ी में ही हूं मैं, दूसरे व्लॉग में भी बिहाइंड द सीन दिखा दो मैं। हां बिहाइंड द सीन, सारे भाई बैठे हुए हैं अपने और अपना कारवा चल रहा है भाई बुद्धिस्ट टेंपल पे। बुद्धिस्ट टेंपल दिखाऊंगा मैं आपको इस व्लॉग में और बुद्धिस्ट टेंपल के दर्शन करेंगे और सीनिक व्यू मसूरी के एंजॉय करेंगे हम। भाई हम जा रहे हैं बुद्धिस्ट टेंपल और बीच में मैंने देखा बहुत ही प्यारा सा सीनिक व्यू। तो उसे व्यू को देखने के लिए और कुछ फोटो क्लिक कराने के लिए भाई हम उतर गए हैं सारे भाई साथ। हाँ इनके तो गाने स्टार्ट हो जाते हैं, यूपी वाले हैं ना भाई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. पहुंच चुके हैं बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल के दर्शन करेंगे भाई, यहाँ का प्रसिद्ध टेम्पल है और मैंने इनकी काफी रील्स भी देखी थी और उसमें भी काफी सुंदर लग रहा था। एम्बेसडर गाड़ियाँ चल रही है मसूरी में, हमारी पुरानी यादें, हमारी देश की गाड़ी, इसी से पहचान होती थी। अम्बेसडर बड़े बड़े नेता चलाते थे मसूरी में, दिख रही है हमें। और भाई ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है, ट्रैक करके जाना पड़ रहा है थोड़ा सा। देख रहे हो क्या रास्ता है कुछ जी, बीच में पड़ा है ये सेंट्रल स्कूल। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो कितनी मस्त वादियों में पढ़ रहे हैं कुछ जी, कितनी मस्त वादियों में पढ़ रहे हैं बच्चे। मुझे पेंसिल गिफ्ट करी है बच्चे ने, आपको पेंसिल गिफ्ट करी है, पेंसिल आपके साथ ही कैंसिल। चलो तो भाई बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच चुके हैं। हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल का गेट है भाई बहुत प्यारा सा। यहाँ देखो ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, यही तो वाइब देते हैं भाई पहाड़ों पे, तिब्बती फ्लैग बोलते हैं गाइस इसको। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू दे रहे हैं देखो यहाँ का, ये पूरा बहुत बेहतरीन। ये आ गए हम हैप्पी वैली बुद्धा टेंपल, चलो। आई एम बुद्धा, हैप्पी वैली बुद्धा टेंपल पहुंच चुके हैं जैसा कि आपने देखा। और भाई बुद्धिज्म भगवान को डेडिकेटेड है ये टेंपल और काफ़ी बढ़िया वाइब आ रही है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर है कुछ भी। तो भाई ये पूरा देख रहे हो, पूरा पूरा बेहतरीन है देखो, बुद्धिज्म भगवान का है कुछ जी, बुद्धिज्म भगवान का डेडिकेटेड है और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है गाइस यहाँ पे, काफ़ी अच्छी। देखो पहाड़ भी हैं भाई, बगल में पहाड़ हैं और बीचों बीच पहाड़ के बीचों बीच ये मंदिर, के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हम चल रहे हैं भाई दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे, पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आपको। तो वीडियो भाई लाइक कर दो। आ गए हम बुद्ध टेंपल पे, ये है बुद्ध टेंपल का हमारा मेन गेट, कुछ जी वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से व्यू भी भाई पूरा देख रहे हो, 360 व्यू, बेहतरीन 360 व्यू है भाई, बेहतरीन व्यू आ रहा है 360, दम मजा आ गया। ऐसे कहते हैं भाई हैप्पी वैली बुद्ध टेंपल। देख रहे हो आपने मंदिर कितना प्यारा है अब यहाँ का, देखो भाई 360 व्यू जिसे कहते हैं हैप्पी वैली, मतलब बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू है यहाँ पे, मतलब गजब। आप अगर मसूरी आ रहे हो तो यहाँ पे भी जरूर ही आना। ये टॉप 5 प्लेसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको इस एपिसोड में अपने व्लॉग में, एक बार देखो भाई व्यू कितना खतरनाक है। दर्शन करने जा रहे हैं।
है भाई बहुत ही प्यारा। तो भाई ये है प्रेयर व्हील, इसे घुमा के मतलब इसे घुमा के जो भी कुछ मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है, ये मान्यता है भाई। अपने रूठे पराए रूठे वाले गाने में, हाँ अपने रूठे पराए रूठे, हाँ उस गाने में भी गाइस। और देखो ये प्रेयर व्हील है, इसमें पूरी प्रेयर व्हील लिखी हुई है। हाँ 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 अपने रूठे पराए यारिया यारिया पिक्चर। रील घुमाया है हमने, उसे तीन बार घुमाना था, कह रहे तो विश पूरी होगी, हमने दो बार घुमाया। तुम्हारी विश पूरी होगी कि नहीं होगी? 70% अरे 100 में 70% हो जाए। कोई तरीका है भीख मांगने का, कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है भाई? आपने कितनी बार घुमाई? मैं तो गया कि नहीं था मैं मैंने 8 बार घुमाई है। तुम्हें अगले जन्म तक की पूरी हो गई तुम्हारी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या कर रहे हो? टायर चमका लो और वहाँ चलो जॉर्ज पुल, सॉरी जॉर्ज पुल बोल रहा हूँ, BGMI लवर, वहाँ चलो जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है वहीं चलना भाई पहले, फिर देखिए। हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुँच गए हैं। जॉर्ज एवरेस्ट का भाई मेन पता है क्या है, वो जॉर्ज एवरेस्ट की पीक से आधा देहरादून और आधा मसूरी दोनों का व्यू मिलता है। तो यहाँ से 900 मीटर की भाई खतरनाक ट्रैक है भाई। अभी हमें पता चला है यहाँ पे 50 रुपये इस गाड़ी के टिकट नहीं, केवल जॉर्ज एवरेस्ट की एंट्री के भी 200 रुपये पर पर्सन की टिकट है। तो भाई 200 रुपये पर पर्सन प्लस 50, 250 रुपये और 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ये 1 किलोमीटर तक ही गाड़ी छोड़ेगी, 1 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा, रेंगते हुए जाओ, भागते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओ, जैसे मर्जी जाओ, पर पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई हमने गाड़ी नहीं करी सफारी जो मैंने दिखाई थी आपको, अब हम जा रहे हैं पैदल ही पैदल। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, उसे हम कर लेंगे। ट्रैकिंग करना भी जरूरी है, कुछ भाई का पेट कम हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये मांग रहा था वो, 200 वैसे हो गया था, 100 वैसे मांग रहा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो भाई ये देखो हिमालयन में भाई यहाँ पे अपना जॉर्ज एवरेस्ट में भाई हेलीकॉप्टर भी है, अगर हेलीकॉप्टर की राइड वगैरह लेनी हो तो ले सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, पुलिस वाले आ गए तभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी है, बहुत महंगा होगा लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा। कुछ भाई थक गए क्या चढ़ाई करते करते ट्रैक करते करते? कुछ भाई है, कुछ भाई भाई थक गए बोल नहीं रहे हैं, चलो। तो भाई ये देख रहे हो यहाँ पे बढ़िया भाई एकदम व्यू, एकदम बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू है। और इधर देखो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि जंगल के बीच में, और भाई मेरा भागता हुआ निकला बड़ी तेज, एकदम ऐसा लग रहा है जंगल के व्यू में, एकदम एकदम बहुत बढ़िया ग्रीनरी है भाई, एकदम फ्रेश हवा है, मज़ा आ गया। चले बस थोड़ा ट्रैकिंग में चलता है, मंसूरी में चलना चल। यहाँ पे कैंप भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, रूम्स वगैरह बुक करके, अपने कैंप वगैरह बुक करके यहाँ पे सब रूम बुक वो कैंप बुक कर सकते हैं। वो एक कैंप यहाँ भी लगा हुआ है और एक कैंप सारा यहाँ पे लगा हुआ है। चलो गुरु जी चलो भाई, हमें मिल गया साथी, ऐसा अच्छे। अच्छा बाबू कितना बढ़िया कुत्ता देख रहे हो, कितना प्यारा कुत्ता ही है। बेस कैंप पहुँच गए अपने जॉर्जिया एवरेस्ट के, और यहाँ पे भी व्यू काफ़ी अच्छा है। कुछ जी पहुँच गए क्या भाई? पहुँचे नहीं है, हमें जाना है वहाँ, ये देखो हमें पहुँचना उस पहाड़ी पे।
खाई है और पूरा भाई बेहतरीन वाला व्यू है यहाँ पे। बहुत बढ़िया व्यू देखे आपने, कितने बढ़िया व्यू है, बेहतरीन। तो अभी टॉप पे जा रहे हैं भाई, वहाँ से तो और बेहतरीन व्यू होंगे भाई। देख रहे हो गहराई कितनी है, और मैं यहाँ पे हूँ एकदम। ये देखो गहराई, देखो गहराई, ओए होए, कुछ जी ने पकड़ रखा है मेरे को। चलो देखो कितनी खतरनाक ट्राई। अबे ऐसा लग रहा गंगोत्री भी, गंगोत्री की चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ। गंगोत्री की चढ़ाई कुछ ऐसी है ये देख, पर मजा आ गया जी, जो बात है। तो भाई यहाँ से जीने स्टार्ट हो गए हैं, खड़े खड़े कर जीने स्टार्ट हो गए, और पूरी नीचे खाई है। कुछ जी मेरे को मना कर रहे हैं, ज्यादा कोने में मत जा। हाँ भाई, ऊंचा ऊंचा करते करते कितना ऊंचा आ गए हैं, और यहाँ से पूरा जीना है, जीने का ट्रैक है भाई, और हमें जाना अभी वहाँ। भाई असली नजारे तो यहाँ से है, देवभूमि उत्तराखंड हमारी, और ये जॉर्जिया हिल पीक, बेहतरीन व्यू है भाई। सांस फूल गया चलते चलते, हवा कितनी प्यारी चल रही है। चढ़ चुड़ा के आ गए हैं कुछ जी, पीछे देखो पूरी खाई है। देखो यहाँ पे बढ़िया रिजॉर्ट कैंप टाइप से बना रखा, और यहाँ से सीनिक व्यू भाई बढ़िया है एकदम। हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ से आए भाई, हम वहाँ से सबसे नीचे से। आजा आजा, इतनी ऊंचाई पे गाड़ी आई हुई है, और उस पर लिखा भी है डोंट आस्क सच क्वेश्चन, ये कि गाड़ी यहाँ पे कैसे आई। अब आई है तो आई है भाई। हम जॉर्ज पीक पे आ गए, एक पीक इसकी वो है और एक पीक इसकी वो है, दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं कुछ जी। भाई पीक जॉर्ज पीक देख रहे हो कितनी ऊंचाई पे है। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे, और भाई यहाँ से जो व्यू है बहुत खतरनाक है, बहुत ही मतलब अमेजिंग व्यू है, दिल को लुभा देने वाला व्यू है। ट्रैक भाई मुश्किल है, पहली बता दो, ट्रैक मुश्किल है, मतलब व्यू है, और काफ़ी पीक पे काफ़ी हाइट पे है भाई, और यहाँ से समझ लो सबसे ऊँची पहाड़ी है इधर की, इस एरिए की सबसे ऊँची पहाड़ी है। कुछ जी तो आओ एवरेस्ट पीक आ गए हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, बट उससे पहले भाई व्यू देखो जिसके लिए आए हैं, देहरादून और मसूरी का व्यू, और हिमालयन रेंज का व्यू, हमारी ब्यूटीफुल भारत, इनक्रेडिबल भारत का व्यू, एकदम बेहतरीन मज़ेदार व्यू। ये देख लो, ये है पीक, यहाँ सब भाई फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। ये देखो ये है पीक, यहाँ पर हमारे भाई फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। वहाँ कुछ जी बैठे हैं, कुछ यही है बाबू पीक, देख रहे हो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पीक निकल गई। और भाई देखो लोग कहाँ कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल से चढ़ के आते हैं लोग वहाँ यहाँ पे, और यहाँ का व्यू देखो। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and I... एकदम बेहतरीन नजारे हैं यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट पीक के, जैसे कि आपने देखा मजा आ गया कुछ भी। आखिरकार हम पहुंच गए भाई, खतरनाक ट्रैक है, बट मजा आ गया क्योंकि व्यू देख के काफी दिल को छोर। हमारे तीन भाई है जो बुरा मान चुके हैं, तीन भाई हमसे बुरा मान रहे हैं, तो भाई फोटो वोटो क्लिक नहीं कर देंगे। जॉर्ज बाबू हुर्रे, चलो भाई अब नीचे चल रहे हैं, क्योंकि भाई रात हो जाएगी, साढ़े पाँच बज गए, और काफी ट्रैक काफी है, तो हमें उतरना है भाई नीचे। और पीछे देख रहे हो सनसेट, क्या प्यारा सनसेट हो रखा है यहाँ पे, फाइनली सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा ऊपर से, और अच्छा लग रहा होगा। हम नीचे उतर आए, देख रहे हो भाई व्यू, भैया सब मिल के गए थे और अब आ रहे हैं, सल्यूट है तुम्हें, ग्रैंड सल्यूट की वीडियो। किस बात के सल्यूट, हम नहीं गए, हमारे को जिनने दिया सल्यूट, ये देंगे ना। तो भाई हम आ गए, और जो हमें लेके गए थे विपिन भाई, वो बहुत बढ़िया थे, एकदम सही तरीके से घुमाया उन्होंने रीजनेबल प्राइस में, और आप शेयर भी करवा देंगे, आपको इंडिविजुअल करनी है इंडिविजुअल भी करवा देंगे, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, तो आप मेरा नाम लेंगे वो पहचान जाएंगे उनको, पहचान और हमारे भाई बहुत बढ़िया। वैसे तो इतना मजा नहीं आता, इन लोगों की वजह से काफी मजा आया, आप लोगों की वजह से हमें भी बहुत मजा आया भाई। भी है कि ब्लॉग में हम लोग भी आ गए, देखते रहेंगे कि फ्यूचर देखते रहेंगे, और आगे भी हो सका तो कभी घूमने चलेंगे, हो सका तो कल ही मिलेंगे ऋषिकेश में, मीटअप होगा हमारा, मीटअप होगा, तो भाई ब्लॉग भी
हालांकि व्लॉग मेरे को बाद में एंड करना था, पर भाइयों के साथ तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं। तो भाइयों मजा आया, पहली बात तो ये, तो मसूरी सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना, मेरा व्लॉग देख के आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो कुछ जी, आज के इस व्लॉग को भाई इसी यहीं पे एंड करते हैं भाइयों के साथ। आज का व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे सीधा मसूरी में ही, जब तक के लिए बाय, जय श्री राम।